जैसे राम परम प्रिय मेरे भाई बहन, सीता नवमी जानकी नवमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 मई 2024 को ये पावन पर्व हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इस दिन का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। करना क्या है, जैसे कि हम अन्य श्री राम नवमी में, दुर्गाष्टमी के दिन जो है, अथवा जन्माष्टमी कन्हैया जी के दिन, अथवा राधाष्टमी के दिन व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, वहां जाकर के जो है स्नान करते हैं, ऐसे ही हमें यहाँ प्रयत्न करना चाहिए। अगर संभव हो तो अयोध्या जी में रह करके अथवा जनकपुरी में रहकर ये उत्सव मनाना चाहिए। उचित तो यह है कि आचार्यों पुरोहितों को बुला करके विधिवत जो है सीता राम जी का पूजन और अभिषेक कराना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे अयोध्या में श्री कनक भवन में होता है, पूरे वर्ष में इसी दिन जो है विग्रह का, हमारे सीता राम जी का दिव्य दर्शन होता था। कभी मेरा भी सौभाग्य था कि अपने गुरु जी के साथ में 12-14 साल की अवस्था में वहां पर अभिषेक में भाग लेते थे और उनका चरणों तक अपने लोगों को प्राप्त होता रहा है। आप भी प्रयत्न कीजिए, इस दिन को जो है नोट कर लीजिए, अगले वर्ष चाहे मिथिला में एक वर्ष अयोध्या में अवश्य मनाएं। व्रत रहें, संकीर्तन करें, उपवास करें, और जो है अधिक प्रभु ने आपको समय दिया है, वैभव दिया और भक्ति दिया है, तो अखंड श्री रामायण का पाठ, जिसको श्री रामचरित मानस कहा जाता है, अथवा सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जो बच्चियां स्पेशली जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, वो सीता मैया जी के मंत्र का जाप कर सकती हैं, भजन कर सकती हैं, अथवा व्रत रह करके उनसे प्रार्थना कर सकती हैं। जैसे मन चाहा व्रत जो है पार्वती मैया की कृपा से, गौरी मैया की कृपा से सीता मैया को प्राप्त हुआ, वैसे ही उनको भी अवश्य प्राप्त होगी। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। यहाँ हमें शिक्षा भी प्राप्त होता है कि सीता मैया जी का जन्म की कथा आप लोगों ने सुना ही होगा कि महाराजा जनक जो है हल जोत रहे थे और एक घड़ा निकला और घड़े से मैया प्रकट हुई, इसीलिए माँ का नाम भूमिजा भी है, भूमि पुत्रा भी, पुत्री भी है सीता मैया का नाम। तो हमें पृथ्वी से लेकर के आकाश तक सबका सम्मान करना चाहिए। सीता मैया इतनी सुकुमारी थी कि जो है आकृति मतलब परछाई भी बंदर का देखने डर जाती थी, फिर वो हनुमान जी को वही आशीर्वाद देती हैं आगे चल करके। तो हम चाहे जितने सुख में रहें, जीवन में दुख भी कभी आ जाए, विपत्ति भी आ जाए, मान लें ऐसी भी खराब हो गया, तो पिताजी को माता जी को परेशान न करें, अथवा किसी कारण से बाहर भी गए हैं और तीर्थ में जाकर के, तो अधिक से अधिक हमें सिंपल जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी तो उस तीर्थ का आनंद है। आप वहां भी जाकर बड़े 5-स्टार होटल में रहे तो फिर मतलब क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, इस दिन का हमें अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। सीता मैया की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे, इसी निवेदन के साथ में जय सियाराम।